ओम श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ देवताय नमः। जय कुल देवताय नमः। मेरा नाम आचार्य जय ध्यानी। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। आप आज जानेंगे कि पितृदोष क्या है और पितृदोष होने से क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या रुकावटें सामने आती है और पितृदोष को कैसे पहचानते हैं। देखो, सर्वप्रथम जन्म पत्रिका से देखते हैं पितृदोष के लक्षण कि पितृदोष है या नहीं है, इस तरीके से जन्म पत्रिका से जाना जाता है। परंतु मैं आपको आज ऐसे ही बता सकता हूँ कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे ही कि घर में कष्ट ज़्यादा रहता है, क्लेश ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, तो समझ सकते हो आपकी पितृदोष है। आपकी जन्म पत्रिका में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है, यानी नीच राशि में है, तुला राशि में है, तो सूर्य पे ग्रहण लग रखा है, तो समझ सकते हो आपके पितृदोष है। आपकी जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर है या नीच राशि में बैठे हैं, या चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे कि शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, तो वहाँ पे पितृदोष है। आपकी जन्म पत्रिका में आपके परिवार में पितृदोष के कारण यहाँ परेशानी आ रही है। अगर जन्म पत्रिका भी ना है आपके पास, जन्म पत्रिका भी नहीं है, तो आप कैसे पहचान सकते हो। एक तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि घर में कलेश ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, शुभ कार्य में विलंब होता है, देरी होता है, समझ सकते हो कि आपके पितृदोष के कारण हो रहा है। और भी कारण हो सकते हैं, पर विशेष रूप से दूसरा उपाय, आप जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर आपको घबराहट होती है, आपका आत्मविश्वास कम है, आपको विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, तो समझ सकते हो कि आपका सूर्य कमजोर है, तो आपके जन्म पत्रिका में आपके परिवार में पितृदोष के कारण यहाँ परेशानी आ रही है। या आप बहुत डरते हो, आपको डर ज़्यादा लगती है, आपका मन ज़्यादा चंचल है ना, इस तरीके से आप अशांत रहता है, तो आपका वहाँ परिवार में पितृदोष के कारण यहाँ परेशानी आ रही है। तो मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया कि एक पितृदोष का सर्वदोष एक ही होता है। का सर्वदोष हम नाग नागिन के हिसाब से बनते हैं कि पितृदोष का सर्वदोष यानी कि पितृदोष बनना है, पर विशेष रूप से का सर्वदोष अलग हुआ, नाग नागिन का दोष बोला जाता है उस चीज़ को। क्योंकि आपने देखा होगा, हम जो बोलते हैं, सुना होगा आपने कि का सर्वदोष है, तो हम बोलते का सर्वदोष है तो कैसे पूजा करनी है, तो बोलते कि मंदिर में जाके पूजा करनी है। तो पितृदोष है, मंदिर से क्या मतलब है, पितृदोष अलग हुआ, मंदिर अलग हुई, तो वहाँ पे नाग नागिन का पूजन करते हैं, नाग चांदी मंगाते हैं, जोड़ा मंगाते हैं, नाग नागिन का जोड़ा मंगाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। तो वो का सर्वदोष जो पितृदोष नहीं हुआ, वो क्या हुआ, आपका नाग नागिन दोष होता है। पितृदोष का मतलब हुआ जैसे कि सूर्य पे ग्रहण लग रखा है, चंद्रमा पे ग्रहण लगा है, तो यहाँ पितृदोष को दर्शाता है। एक साइड में ग्रह, जैसे आजकल बोलते हैं कि जन्म पत्रिका में एक साइड में ग्रह बैठे हुए हैं, तो पितृदोष हुआ, नहीं पितृदोष नहीं होता, वो नाग नागिन का दोष होता है। बल्कि उसमें आपने देखा होगा कि सीधा हम डायरेक्ट मंदिर में जाके पूजा करवाते हैं, पितृदोष अलग हुआ। और विशेष रूप से पितृदोष के लिए उपाय विशेष रूप से कि आप साल भर में तर्पण आते हैं, आप साल भर में तर्पण कराइए, पितरों का नियमित पूजा पाठ करवाइए। और विशेष रूप से अगर आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा करवाते हो हर 3 महीने में, कभी कभी ऐसा हुआ कि अमावस के दिन भी करा सकते हो, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे पंडित जी, आज अमावस से कैसे पूजा पाठ होगा, कैसे कथा होगी, और ज़्यादा फलदायक मानी जाती है उस दिन कथा। जैसे पूर्णमासी का दिन माना जाता है, वैसे ही अमावस के दिन जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पाठ पूजन करता है, कथा करता है, तो उनके घर में विशेष रूप से है पितृ देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाकी हरी इच्छा।